hello friend welcome to all of you myself amol rishansingh tatu today we'll start the brief of the osi model so the first content is that data link layer so now today we'll see data link layer its brief responsibility and uh, property as well as its work while we are dealing with data communication network. So let's start. Here, first of all, we'll start from the introduction. The internet is a combination of networks glued together by connecting devices. Uh, the devices are routers or switches. If a packet is to travel,

ठीक okay. जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा हम नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सपोज ये एक सेंटर मशीन है जिसका नाम ए है वो किसी एक राउटर से कनेक्टेड है ये जो सिंबल है ये राउटर के लिए यूज होता है ये सिंबल। वर्ल्ड वाइड देन ये राउटर किसी वैन स्विच को कनेक्टेड है ये हो गया वैन स्विच मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क अब ये वैन स्विच किसी और दूसरे राउटर को कनेक्टेड है और इस राउटर को हमारा रिसीवर यानी सिस्टम नंबर सिस्टम सिस्टम बी कनेक्टेड है अब यहाँ पे ये जो नेटवर्क है तो इस नेटवर्क में जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस है कभी राउटर्स है तो कभी स्विचेस है तो इन सब को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क्स ओके नेटवर्क और नेटवर्क जो है अब यहां पे बहुत सारे नेटवर्क का जो नेटवर्क है उसे हम कहते हैं इंटरनेट मींस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट ओके सिंपल जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं एक डायग्राम है अब समझो ये हमारा कॉलेज का नेटवर्क है ये हमारे कॉलेज का नेटवर्क है जहां से सिस्टम नंबर ए यूनिवर्सिटी के सिस्टम नंबर बी से बात करने की कोशिश कर रहा है सो यहां पे यह हमारा कॉलेज का स्विच हो गया स्विच ये हो गया हमारा कॉलेज का राउटर और यह दूसरा कोई राउटर है आर वन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है आर टू हो गया हमारा कॉलेज का राउटर आर थ्री किसी और दूसरे वैन नेटवर्क के लिए आर फाइव सिमिलरली किसी और अन्य नेटवर्क के लिए सो so, ये आर फाइव अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी का जो स्विच है ये जो स्विच हुआ ये हो गया यूनिवर्सिटी लेवल का स्विच और ये हुआ यूनिवर्सिटी लेवल का राउटर अब यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में जो बी है उसको कनेक्ट करने के लिए ये राउटर स्विच से कनेक्टेड है सिमिलरली यहाँ पे जब हम देखते हैं कॉलेज का कंप्यूटर यहाँ के कॉलेज के स्विच से कॉलेज के राउटर को जो ये जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर है ओके अब यहाँ पे हमारी डेटा लिंक लेयर का वर्क कैसा है वो समझने की कोशिश करेंगे हम सर्विसेस द डेटा लिंक लेयर इज लोकेटेड बिटवीन द फिजिकल एंड द नेटवर्क लेयर इससे पहले हमारे जो वीडियोज हैं उनमें हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ओ एस आई मॉडल उस स्ट्रक्चर में आप अगर देखोगे उस डायग्राम में तो फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर और डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर तो ये जो है डेटा लिंक लेयर इन बिटवीन इन बिटवीन लोकेटेड इन बिटवीन द फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर इन दोनों के बीच मीन्स फिजिकल से डेटा कलेक्ट करेगा और नेटवर्क को डेटा फॉरवर्ड करेगा द डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेस टू द नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा इट रिसीव फ्रॉम द फिजिकल लेयर जो कि फिजिकल लेयर से डेटा रिसीव करेगा उसको प्रोसेस करेगा और नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड करेगा द स्कोप ऑफ द डेटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड जैसे कि हमने देखा है हमारे प्रीवियस वीडियो में डेटा लिंक लेयर का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों को बताया हूँ वेन अ पैकेट इज ट्रेवलिंग इन द इंटरनेट द डेटा लिंक लेयर ऑफ अ नोड होस्ट और राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ डेटाग्राम डेटाग्राम मीन अ सेट ऑफ डेटा और पैकेट ऑफ अ डेटा टू द नेक्स्ट नोड इन पाथ फॉर दिस पर्पज द डेटा लिंक लेयर ऑफ दिस सेंडिंग नोड नीड टू एनकेप्सुलेट द डेटाग्राम रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क इन अनकैप्सुलेशन जैसे कि हम हमारा नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल अगर ले अब मेरा कोई एक लेटर है जिसमें वट एवर आई राइट समथिंग टू समन अब इस लेटर को हम लिखने के बाद एक एनवलप में रैप करेंगे सो so, एनवलप में रैप करने के बाद हम यहाँ पर एनवलप में टू और फ्रॉम ये दो एड्रेस लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पे जो हम एनवलप दे रहे हैं ये एनवलप मीन्स एन कैप्सुलेशन एनवेलप मीन्स एनकैप्सुलेशन सिमिलरली डेटा नेटवर्क में वही होता है जब यहाँ जब फिजिकल लेयर से डेटा बीट फॉर्म में आएगा डेटा लिंक लेयर के पास तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा उस डेटा के पैकेट्स को एक फ्रेम में बाइंड करेगा बाइंड करेगा और उस फ्रेम को एनकैप्सुलेट करेगा यह हो गया सेंडिंग साइड से अब रिसीविंग साइड से सेम वही होगा रिसीविंग साइड के डेटा लिंक लेयर के पास जब डेटा आएगा वो उस एनकेप्सुलेटेड डेटा का जो एनवलप है जो इस लेटर को रिसीव करेगा तो रिसीवर क्या करेगा सबसे पहले इसका एनवलप हटाएगा एनवलप हटाने के बाद फिर से उसको जो लेटर मिलेगा वो कंटेंट वो रीड कर पाएगा सिमिलरली नेटवर्क में वैसा ही होता है एनकेप्सुलेटेड डेटा को यहां पर रीड करने के लिए उनको डिकैप्सुलेट करना होता है ओके okay, डिकैप्सुलेट करने के बाद उसको एनवलप निकालने का और लेटर एज इट इज पढ़ने का And the data link layer of the receiving node need to decapsulate the datagram from the frame, as I told you already. In other words, the data link layer of the source host need only to encapsulate the data link layer of the destination host need decapsulate, but each intermediate node need to both encapsulation and deca decapsulation. Means what? जैसे कि यहां पे इस डायग्राम में मैं आपको बताया था ये जो इंटरमीडिएट नोड है राउटर हो या स्विच राउटर या स्विच ये हर नोड पे डेटा लिंक लेयर को को उस डेटा लेकैप्सुलेट करना है और एनकेप्सुलेट करना है मीन्स हर जगह डेटा लिंक लेयर क्या करेगा उस फ्रेम को एनकेप्सुलेट करेगा और डिकैप्सुलेट करेगा फिर से यहां पे एनकेप्सुलेट डिकैप्सुलेट एन कैप्सुलट डिकैप्सुलेट और अल्टीमेटली यहां पे आने के बाद वो डिकैप्सुलेट होगा और पढ़ने के लिए रेडी होगा या एक्सेस करने के लिए रेडी होगा सो ये करने की जरूरत क्या है क्यों एनकैप्सुलेशन करना है और डिकैप्सुलेशन करना है क्योंकि वाइल डेटा ट्रैवल ओवर नेटवर्क यहां पे डेटा हमारा बीट के फॉर्म में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में तो यहां पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये डेटा करप्ट हो सकता है या मिस हो सकता है तो हर बार उसको खोल के चेक करना होता है डेटा लिंक लेयर उसको हर बार खोल के चेक करेगा कि इज इट करेक्ट और इज इट प्रॉपर डेटा इफ इट इफ इट इज फाउंड करेक्ट देन अगेन ये इनकेप्सुलेट किया जाएगा और फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट नोड की तरफ अब नेक्स्ट नोड की तरफ डेटा जाने के बाद फिर से उसको डिकैप्सुलट किया जाएगा फिर से चेक किया जाएगा इफ इट इज फाउंड करेक्ट देन फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट नोड ये सिमिलरली चलता जाएगा अप टू देशन नोट तक फ्लो कंट्रोल जैसे कि हमने देखा था उस वीडियो में डेटा लिंग ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो कंट्रोल और एर कंट्रोल अब यहां पर हम डिटेल में देखेंगे हाउ एक्जैक्टली फ्लो कंट्रोल काम कैसे करता है फ्लो कंट्रोल कैसे काम करता है वेन एवर वी हैव प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वी नीड टू थिंक अबाउट अ फ्लो कंट्रोल जैसे कि सिंपली किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन डिपेंड करता है उसकी डिमांड पर या हम किसी से बात करते हैं तो बात करते वक्त बोलने की स्पीड अगर सुनने वाले की स्पीड के बराबर हो तो हमारी बातचीत सफल हो सकती है वैसे ही यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का अब अगर सेंडर साइड से डेटा की सेंडिंग स्पीड है टेन एमबीपीएस कितना टेन एमबीपीएस और रिसीवर साइड से अगर यह स्पीड हो जाती है एट एम तो होगा क्या रिसीवर के पास डेटा बफर में आ जाएगा मीन्स उसका स्पीड एट एमबीपीएस का है और सेंडिंग का स्पीड दस एमबीपीएस का है मीन यहां पे टू एमबीपीएस पर सेकेंड टू एमबी डेटा आपके पास बफर में जा रहा है तो इससे क्या होगा डेटा ओवरलोड होगा और वो उसको समझ नहीं पाएगा या रीड नहीं कर पाएगा सो so, यहां पे फ्लो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इफ द प्रोड्यूसर प्रोवाइड आइटम्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड अकोमोडेशन ऑफ आइटम ऑकअर्स द सेंडिंग डेटा लिंक क्लियर एट द एंड ऑफ अ लिंक इज अ प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेम्स the receiving data link layer of the other end of a link is consumer then जैसे कि हमने previous example में देखा अगर sending की speed से receiving की speed अगर कम हो तो होगा क्या Data बफरड में जाएगा बफरड में जाएगा तो वो क्या करेगा फीडबैक सेंड करेगा अब फीडबैक सेंड करेगा इट मींस व्हाट वो या तो सेंडर को बोलेगा कि भाई आप रुक जाओ स्टॉप या फिर आपकी भेजने की स्पीड थोड़ी धीमी कर लो स्लो डाउन या तो स्टॉप हो जाओ या तो फिर स्लो भेजो या तो स्टॉप हो जाओ या स्लो भेजो जिस हिसाब से मैं उसको रीड कर पाऊं मिस एनकैप्सुलेशन का स्पीड टेन एमबीपीएस है और डी का स्पीड एट एमबीपीएस है अगर इन दोनों की स्पीड में ही रही तो कन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं होगा तो अब तक हमने देखा एरर आ, फ्लो कंट्रोल अब हम देखेंगे एरर कंट्रोल एरर कंट्रोल यानी क्या एट द सेंडिंग नोड फ्रेम इन अ डेटा लिंक लेर नीड टू बी चेंजड टू बीट्स ट्रांसफॉर्म्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया अब यहां पर मीडिया यहां पर मीडिया एक नया शब्द हमें सुनने मिला है सो so, मीडिया जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं एक है गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया अब गाइडेड मीडिया में जो है गाइडेड मीडिया में वायर्ड मीडिया आ गया और अनगाइडेड में हो गया एयर और वेव्स इट मे बी रेडियो वेव्स और इट मे बी

और अगर डैमेज अब मिस होता है इट कॉज एरर. टू एरर अ फ्रेम इज सक्सेप्टेबल टू एरर द एरर नीड फर्स्ट टू डिटेक्ट आफ्टर डिटेक्शन इट नीड टू बी करेक्टेड एट द रिसीवर नोड और डिस्कार्डेड एंड रिट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग नोड जैसे कि हमने आपको पहले ही बोला था कि बफर आने के बाद वो फीडबैक सेंड करेगा फीडबैक में वो बोलेगा या तो आप रुक जाओ या फिर भेजने की स्पीड कम कर दो अब अगर एरर आता है तो इस कंडीशन में भी रिसीवर क्या बोलेगा आप आपका जो डेटा भेजा हुआ है उसको रिट्रांसमिट करो लेकिन एरर डिटेक्ट करना पहले है और फिर करेक्ट करना है आप डिटेक्ट कब कर पाओगे जब आपको करेक्ट वाला पता है अगर करेक्ट वाले में कोई डिफिकल्ट है इट मींस देयर इज एरर आप एरर को डिटेक्ट करोगे अगर एरर डिटेक्ट होता है तो ही एरर करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है अदरवाइज नहीं सो so, अब यहां पे जो फ्रेम मेजी है फ्रेम के साथ उसका हेडर है फुटर है इससे अब फर्दर हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वहां पे इन चीज़ों को फिर से डिटेल में देखा जाएगा जैसे जैसे हम ट्रैवलिंग uh, अल्गोरिदम देखेंगे ट्रेवल प्रोटोकॉल देखेंगे हर प्रोटोकॉल का हर अल्गोरिदम का यूजेस हम जैसे देखेंगे ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे क्लियर होते चलेगी ओके okay? अब डिस्कार्ड करना यानी कि उसको निकाल देना एंड रिट्रांसमिटेड बाय दी सेंडिंग नोड अब यहां पे अगर एरर आता है वो खुद से कोशिश करेगा करेक्ट को होने की अगर खुद से रिसीवर को वो करेक्ट नहीं करता कर कर सका रिसीवर तो वो डिस्कार्ड करेगा और रिट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडिंग नोड को ओके सेंडिंग नोड को वो रिट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा दैट्स इट आज का वीडियो थोड़ा लेंदी तो हुआ ही है लेकिन ज़रूरत भी थी क्योंकि ये चीज़ें हमें ब्रीफली देखनी है तो ब्रीफली देखते वक्त थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है यहाँ से हर वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियो में भी टेन मिनट्स और टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ये होता ही रहेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए